ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे INSA की। पहले इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया था, जिसे 1970 में बदलकर इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी कर दिया गया। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1935 को कलकत्ता में की गई। 1946 तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसका मुख्यालय था, जिसका स्थानांतरण 1951 में दिल्ली हो गया। बात करते हैं INSA के मुख्य उद्देश्यों की। भारत में राष्ट्रीय कल्याण की समस्याओं पर इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग सहित वैज्ञानिक ज्ञान का संवर्धन करना, वैज्ञानिक अकादमियों, सभाओं, संस्थाओं, सरकार के वैज्ञानिक विभागों और सेवाओं के बीच समन्वय स्थापित करना, भारत में वैज्ञानिकों के हितों के संवर्धन तथा रक्षा के लिए और देश में किए गए वैज्ञानिक काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के एक निकाय के रूप में काम करना इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा वांछनीय समझी जाने वाली कार्यवाहियां, जर्नल, संस्मरण तथा अन्य रचनाएं प्रकाशित करना, विज्ञान और मानविकी के बीच संपर्क बढ़ाना और बनाए रखना, विज्ञान के संवर्धन के लिए निधियां तथा स्थायी निधियां जुटाना और उनका प्रबंधन करना, ऐसे अन्य सभी काम करना जो अकादमी के उपयुक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो या उसमें सहायता करे, इसके उद्देश्यों में शामिल हैं। बात करते हैं INSA के मुख्य कार्यों की। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, वैज्ञानिक चर्चाओं का आयोजन करना और मोनोग्राफ और अन्य प्रकाशनों को सामने लाना है। यह अकादमी जन जागरूकता और विज्ञान की समझ को बढ़ावा देती है। वैज्ञानिक समुदाय और योजनाकारों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हुए यह सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देता है। यह देश के भीतर और बाहर वैज्ञानिकों के बीच बातचीत के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा यह पदक या पुरस्कार के माध्यम से और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकी विदों को प्रोत्साहित करता है।